तो दतिया में जो भी हुआ उसकी न्यूज़ आपने देखी होगी, तो मैंने क्या अनुभव किया ये इस व्लॉग के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो बात स्टार्ट होती है संडे को शाम को यहाँ पर दतिया में पानी बरसना चालू होता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने घर के बाहर काफ़ी तेज़ बरसात हो रही थी और लगा जैसे कि 1 या 2 घंटे में बंद हो जाएगा। सामान्यतः दतिया में ज़्यादा पानी बरसता नहीं है और अभी मई जून और पूरा जुलाई तो सूखा ही गया था, तो लगा नहीं ऐसा। अगले दिन मंगलवार को 3 तारीख को मैं अपने जॉब के लिए घर से निकलता हूँ और रास्ते में सिंध का पुल जो डबरा से पहले, वहाँ लोगों की भीड़ जमा देखता हूँ। मुझे लगता है कुछ एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन जब मेरी नज़र यहाँ जाती है तो इतना पानी देखकर मैं भी आश्चर्यचकित हो जाता हूँ, क्योंकि इतना पानी मैंने कभी देखा नहीं। लगभग 15 साल हो गए मुझे अप डाउन करते करते, लेकिन मैंने सिंध में कभी इतना पानी नहीं देखा था। लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी और भी पानी इसमें आने वाला है। तो एक छोटी सी क्लिप मैंने बना ली और अपने मित्रों को भेजी कि इसमें इतना पानी आ चुका है। और ये लग भी रहा था मुझे कि अगर ये ऐसा रहा तो फिर तो ये पुल भी क्षतिग्रस्त हो सकता है, क्योंकि इतना पानी कभी यहाँ पर आया नहीं। बाकी आसपास के गांव जो थे वो भी, उनमें भी पानी भर गया था, जैसा आप देख सकते हैं बहुत दूर दूर तक पानी फैल गया था, लेकिन स्थिति सामान्य थी। अगर आप मैप को देखें, इसका इनसेट का डेटा देखें, तो आप देखें बहुत बड़ा एक बादलों का झुंड जो है वो यहीं पर मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में फैल रहा था। बाद में न्यूज़ आती है कि हरसी से और मड़ीखेड़ा डैम से पानी छोड़ा गया। ये हरसी या मड़ीखेड़ा का दृश्य है, पानी छोड़ दिया गया। और पानी और जब और छोड़ दिया गया तो सामान सी बात है, सिंध नदी में और ज़्यादा पानी आ गया। दोपहर तक ये न्यूज़ आ जाती है कि जो नया वाला पुल था वो भी क्षतिग्रस्त हो गया। पुल तो क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, जो अप्रोच रोड होती है जहाँ से पुल कनेक्ट होता है वो नीचे धसक गया, लेकिन ऐसा होने से ये जो नया वाला ब्रिज है ये बंद हो गया। बाद में और न्यूज़ आती हैं, वीडियोस आते हैं, रतनगढ़ का जो ब्रिज है वो भी बिल्कुल बह गया पानी में। और फिर दिन भर इसी टाइप के वीडियोस वायरल होना चालू हो जाते हैं। तो सिंध नदी पर बने लगभग लगभग अधिकतर पुल ऐसे ही क्षतिग्रस्त हो गए। बाद में ये सेंवड़ा नदी, सेंवड़ा पर जो सनकुआ में जो पुल है लगभग 30 या 40 साल पुराना, वो भी ढह जाता है और पानी में बह जाता है। ये काफ़ी ऊंचा पुल है, लगभग 80 से 90 फुट ऊंचा पुल है ये, और इतना पानी कभी किसी ने नहीं देखा सेवड़ा में, तो ये पुल भी ढह जाता है। और इसी टाइप की और न्यूज़ आना चालू हो जाती हैं। क्योंकि मैं जॉब पर होता हूँ और फिर मुझे भी लगता है कि अब मैं घर कैसे जाऊँगा, और फिर बाद में आसपास के गांवों से एयरफोर्स के द्वारा रेस्क्यू भी चालू कर दिया जाता है। पहली बार इस क्षेत्र में रेस्क्यू वो लगा कि एयरफोर्स को बुलाना पड़ेगा। और शाम को जब मैं वापस लौटता हूँ तो पाता हूँ कि एक नया पुल जो था वो बंद कर दिया गया, पुराने पुल से ट्रैफिक निकल रहा है और वहाँ पर जाम लग चुका है। मैं अपनी गाड़ी वापस मोड़ता हूँ और वापस डबरा पहुँचता हूँ, डबरा के एक मित्र के यहाँ अपनी गाड़ी रखता हूँ और वहाँ से फिर मैं ट्रेन से जाता हूँ। तो अभी जो आप देखेंगे दृश्य, ये ट्रेन का होगा। ट्रेन से मैंने एक वीडियो बनाया है और इसमें दिख रहा है कि जो सिंध नदी है वो कितनी चढ़ी हुई है। देख सकते हैं आप, ये अभी नदी चालू हुई नहीं है, ये नदी के आसपास के 3 या 4 किलोमीटर का एरिया है जो जिसमें पानी भरा हुआ है। पानी पानी जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ पानी ही पानी आपको दिखाई देगा। और ये रेलवे का पुल, काफ़ी ऊंचा पुल है ये, लेकिन आप देख सकते हैं पानी लगभग लगभग इसको टच करने ही वाला है। कैसे भी करके मेरा एम ये था कि मैं इस पुल को पार कर जाऊँ, क्योंकि अगर ये पुल भी लास्ट एम बस अपना यही बचा था, आखिरी आस की ये पुल ही है, क्योंकि रोड लगभग लगभग बंद हो चुकी थी और ट्रेन भी अगर बंद हो जाती तो फिर यहाँ से जो संपर्क है किसी भी टाइप का संपर्क नहीं हो पाता। श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे जैसा आप जिस सामने देख सकते हैं, गाड़ियों की लंबी लाइनें आपको दिखाई दे रही होंगी। ये लाइन से जो ट्रक खड़े हुए हैं ये आपको दिख रहे होंगे, और ये श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे
जो कि ये ग्वालियर की साइड जाने वाले ट्रक हैं। ये वीडियो मैंने ट्रेन से बनाया, और देखिए यहाँ भी पानी भरा हुआ है। ये पुल के 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर बाद तक यहाँ पर पानी ही पानी भरा हुआ है। काफ़ी लंबी लाइन गाड़ियों की, और ये आसपास के जो गांव हैं सिंध नदी से लगे हुए बहुत से गांव हैं जो सबके सब डूबने की स्थिति में आ गए। गांव से यहां से पलायन कर गए लोग, बहुतों को रेस्क्यू करके वहां से बचा लिया गया। प्रशासन ने काफ़ी एक्टिव होते हुए सब काम जल्दी जल्दी किए। ये कोटरा गांव जो कि लगभग पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। ये शाम का सीन है, और शाम के बाद लगभग 3 से 4 फुट पानी और छोड़ा गया, और आप देख सकते हैं अभी ये सिंध नदी का पुल था, लगभग लगभग इसके ऊपर भी पानी आना चालू हो गया। और यहाँ पर जो रेस्क्यू उसकी कुछ फ़ोटो ये देख सकते हैं आप। और फिर बाद में एयरफोर्स का चॉपर जो कि लैंड कराया गया था यहाँ नए वाले पुल पर, और फिर रेस्क्यू उनका चालू हुआ। ये कुछ फ़ोटो हैं उन्हीं की, होम मिनिस्टर खुद जाकर इस स्थिति को संभाले हुए थे, स्पॉट पर थे। हवाई उन्होंने एयर जो हेलीकॉप्टर है चॉपर से उससे भी पूरा सर्वेक्षण किया। और बाद में अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली समस्या हुई कहाँ से, ये पानी आया कहाँ से। तो मैप में अगर मैं देखूँ तो ये जो है मेन पुल है, ये श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे है, और ये दो पुल जो दिख रहे हैं आपको ये मेन हाईवे के पुल हैं। और ये जो नदी बह रही है ये सिंध नदी है, ये काफ़ी ऊंचे पुल है। एक पुल इसमें पुराना है और एक पुल इसमें नया वाला है। जो राइट साइड पुल है वो नया है, क्योंकि ये मैप थोड़ा पुराना है इसलिए इसमें सही से क्लियर नहीं है रोड। और ये पुल तो सुरक्षित था, लेकिन अगर मैं आगे जाके देखूँ तो मैं बताऊँ आपको कौन कौन से पुल बह गए। ये मैं जा रहा हूँ इस साइड, तो ये जो पुल था ये लांच का पुल, जिस सबसे पहले बहने की सूचना आई थी, ये वाला पुल बह चुका था। तो यहाँ से जो कनेक्टिविटी थी वो बंद हो गई। एक अल्टरनेट रास्ता था ये ग्वालियर जाने के लिए, इंद्रगढ़ और इस तरफ के लोगों के लिए। बाकी अगर मैं और इसमें उत्तर दिशा की तरफ जाऊँ नदी में, तो सेंवड़ा का जो पुल है, सनकुआ तीर्थ का नाम सुना होगा आपने, तो ये वाला जो पुल है, एक पुल यहाँ पर भी रतनगढ़ माता का पुल था, वो भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया पूरा। और यहाँ पर एक जो बड़ा पुल था ये स्टेट हाईवे का पुल था, ये भी ख़त्म हो गया। तो सेवड़ा से जो उत्तर दिशा की तरफ जाने वाला जो रोड था वो टोटली बंद हो गया। और वापस आ जाता हूँ मैं इधर, और अब हम चलते हैं कि ये जो पानी छोड़ा गया ये कहाँ से छोड़ा गया। चूँकि पानी एक ही दिन बरसा था, लेकिन बहुत ज़्यादा बरसा, लगभग दतिया में 400 मिलीमीटर बारिश के बारे में बताया गया है। थोड़ा कम भी हो सकती है, लेकिन 400 mm बारिश यहाँ पर शायद 1 या 2 महीने में होती है, उतनी एक दिन में हो गई। ये देख सकते हैं आप धूमेश्वर मंदिर, धूमेश्वर मंदिर का भी जो एक पुल था वो भी शायद इसकी बह चुका है। ये वाला पुल, ये भी पुल बह चुका है। आगे यहाँ पर दो डैम जो बने हुए हैं इस नदी पर, एक हरसी है और एक मडीखेड़ा है। तो हरसी डैम तो ये है, यहाँ से भी पानी छोड़ा गया था, और बाद में इसकी अफवाह उड़ा दी किसी ने कि हरसी बांध टूट गया इसके कारण ऐसा हुआ है। हालांकि बाद में फिर प्रशासन को बोलना पड़ा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये बांध इतनी जल्दी नहीं टूटते हैं। इस अफवाह से ये हुआ कि आसपास के जो गांव थे वो सब यहाँ से पलायन करके चले गए, और मंदिर है एक कोई पहाड़ी, वहाँ पर जाकर सब जमा हो गए। बाद में फिर एडमिनिस्ट्रेशन को उनको बोलना पड़ा कि ऐसा कुछ नहीं है। ये है मडीखेड़ा डैम जहाँ से पानी छोड़ा गया था। ये गूगल अर्थ से ली गई फ़ोटो है, पुरानी है, लेकिन अभी वर्तमान में स्थिति ये है कि ये लगभग लगभग पूरी तरह से 100% फुल हो चुका है, तभी इसमें से पानी छोड़ा गया था। आज की अगर मैं बात करूं, आज 5 तारीख है, और अभी थोड़ा थोड़ा वाटर लेवल थोड़ा सा कम हो रहा है, स्थितियां सामान्य होने में थोड़ा सा समय लगेगा। ये सिंध नदी अगर मैं बताऊं आपको, ये यमुना नदी में मिलती है,
आगे जाके। और यहाँ पर एक मोहिनी पिकअप रिजर्वायर है, हरसी बेट डैम है और अटल सागर बांध जैसे मडीखेड़ा डैम भी कहा जाता है। तो ये आसपास के जो इलाके, जो नदी किनारे जितने भी गांव हैं, ये सब डूबने की स्थिति में आ गए थे। और अभी अब धीरे धीरे जो श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे पे ट्रैफिक क्लियर हो रहा है, लगभग एक दो दिन तक बंद रहा, लेकिन एक पुराने पुल से इसको चालू कर दिया गया, लेकिन काफ़ी स्लो है ट्रैफिक उधर। ये वाले जो गांव दिख रहे हैं आपको कोटरा और ये भी पूरे लगभग लगभग डूबने की स्थिति में आ गए थे। यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। ये एक्चुअली नदी जो है इससे तीन चार किलोमीटर दाएं बाएं ये पूरा ये डूब चुका है और अभी भी यहाँ पर डूबा हुआ है, पानी धीरे धीरे अभी निकल रहा है। ये जो एरिया दिखा रहा हूँ मैं, ये भी सब कुछ डूबा हुआ है अभी। बड़ौन कला गांव जो नदी किनारे है ये भी डूबा हुआ है। और ये दोनों पुल में, अब नया वाला पुल जो है वो अभी तो क्षतिग्रस्त है, पुराने से चल रहा है ट्रैफिक, हो सकता है 2-4 दिन में ये भी चालू हो जाए। तो ये था मेरे अनुभव था कि मैंने किस तरीके से इस स्थिति को देखा और समझा। हालांकि ये ऐसी घटना है, कभी यहाँ इस क्षेत्र में होती नहीं है बाढ़ आना, ये सब हम लोग न्यूज़ पे ही देखते रहते हैं, कभी अपने क्षेत्र में अनुभव नहीं किया। लेकिन जब पहली बार अनुभव किया तब हमें समझ में आया कि बाढ़ कितनी खतरनाक होती है और लोगों को कितने समस्या झेलने पड़ती है। आशा करता हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इस टाइप की वीडियोज़ तो नहीं डालता, टेक्निकल और एजुकेशन वीडियोज़ डालता हूँ, लेकिन बीच बीच में इस टाइप की वीडियो मैं डालता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मुझे सपोर्ट मिलेगा और मैं इस टाइप की वीडियो और बनाऊंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।